क्यों बनाने चाहिए, ये भैया बताएंगे इस तरफ सफेद शर्ट वाले। हाँ बताओ, चश्मा वाले दादाजी बताओ, गुरु क्यों बनाने चाहिए? बैठे 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 क्यों बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए, क्यों बनाने चाहिए? पीछे वाली माँ मैया भैया बताओ, क्यों गुरु बनाने चाहिए? क्योंकि गुरु का क्या काम है वो जरा आज समझिएगा। गुरु क्यों बनाने चाहिए, क्या होता है, क्या गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्या गुरु के बिना हमारी सदगति नहीं हो सकती, क्या गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज सुन लेते हैं। सुनो, अच्छा बताओ, जिस स्त्री के संग आप हो, जिस पुरुष के संग आप हो, पति पत्नी के रूप में, एक प्रश्न पूछूंगा उत्तर देना, क्या आपकी पत्नी से और आपके पति से क्या विवाह के पहले आपका कोई रिश्ता था? उत्तर दो। क्या आपका, आपकी पत्नी और आपके पति से विवाह के पहले कोई संबंध था? जोर से नहीं। फिर क्या हुआ? एक विवाह हुआ, मंडप गाड़ा गया, ब्राह्मण को बुलाया गया और विधि विधान से विवाह हुआ, और जिस दिन विवाह हुआ उसके बाद से सदा के लिए आपका उस स्त्री और उस पुरुष से सदा के लिए एक रिश्ता तैयार हो गया। जैसे विवाह क्या करता है, एक स्त्री से एक पुरुष से सदा के लिए आपका संबंध जोड़ता है, उसी तरह जैसे विवाह पति पत्नी का रिश्ता जोड़ता है, उसी तरह गुरु मंत्र गुरु जी भक्त का भगवान से सदा के लिए संबंध जोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि क्या गुरु के बिना संबंध नहीं हो सकता? तो आप ही बताओ, क्या विवाह किए बिना आप किसी पुरुष के संग रहो पति की तरह, किसी स्त्री के संग रहो पत्नी की तरह, तो क्या वो रिश्ता मान्य होगा? आपने विवाह नहीं किया पर रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो क्या मान्य होगा? क्यों नहीं मान्य होगा? क्योंकि विवाह नहीं हुआ। अच्छा, विवाह होने के बाद हमारी पत्नी क्या बन जाती है? हमारी, हमारे हिंदू रिवाज में पत्नी को क्या बोलते हैं? पत्नी का पूरा नाम बताओ, क्या बोलते हैं आप बताओ? क्या हमारे यहां जब भी बोला जाता है तो ये बोला जाता है, ये हमारी धर्म पत्नी है। क्या बोला जाता है? ये बात सही है कि गलत है? हमारे हिंदू रिवाज में बोला जाता है कि ये हमारी, अब ये बताओ पत्नी के आगे धर्म क्यों जुड़ता है? धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि हमने उस लड़की से, उस स्त्री से धर्म के हिसाब से संबंध जोड़ा है, धर्म के हिसाब से संबंध जोड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ा धर्म पत्नी। जो लड़का लड़की भाग भाग कर शादी कर लेते, माता पिता से छिप छिपा के कोर्ट मैरिज, वो कभी नहीं कह सकते कि ये हमारी धर्म पत्नी है, तुमने धर्म से किया ही नहीं। अब तुम कहो तो तुम्हारे मुंह पे हाथ भी तो कोई ना रखेगा, लेकिन धर्म के हिसाब से आप ये कहने के अधिकारी नहीं है कि ये आपकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वही है जो विधि विधान से मंडप के नीचे, समाज के आगे, समाज साक्षी है। विवाह होता है तो समाज साक्षी होती है, गुरु साक्षी होता है, ब्राह्मण साक्षी होता है और अग्नि साक्षी होते हैं, और अग्नि के साथ साथ ध्रुव तारा साक्षी होते हैं। जब ये लोग साक्षी होंगे तब आपको कहने का अधिकार होगा कि ये मेरी धर्म पत्नी है। वो लोग जो भाग कर कोर्ट मैरिज किए हैं वो कदापि ये कहने के अधिकारी नहीं है कि ये मेरी धर्म पत्नी है।
वो धर्म पत्नी कैसे होगी? अरे धर्म पत्नी तो तब होगी जब धर्म से पत्नी बनेगी। अब धर्म से वो बनी ही नहीं पत्नी, तो वो काय की पत्नी है? वो तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि वो रखेल है। वो क्या है? रखेल है। सामान्य भाषा यदि ये कहा जाए कि अब उस रिश्ते को नाम दो कि क्या है वो, जब धर्म से आपने विवाह किया नहीं और आप रह रहे हैं, तो सामान्य भाषा में तो यही कहा जाएगा ना, ये उसकी रखेल है। हाँ या ना? फिर धर्म पत्नी कब बोला जाएगा? जब धर्म से विवाह। इसलिए हमारे यहां आज से नहीं, शुरू से बोला गया ये मेरी धर्म पत्नी। उसी प्रकार जैसे धर्म के हिसाब से पत्नी का होना आवश्यक है, उसी तरह धर्म के हिसाब से गुरु का होना आवश्यक है। वह गुरु जो धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार आपका संस्कार करते हैं। गुरु बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि गुरु के बिना भक्त का भगवान से संबंध नहीं जुड़ता। जैसे विवाह के बिना पति का पत्नी से कोई संबंध नहीं, उसी तरह भगवान का भक्त से संबंध तब जुड़ता है जब बीच में हनुमान जी ने, जब सुग्रीव का राम से संबंध जुड़ा, मित्रता जुड़ी, तो बीच में कौन था बोलो? गुरु की भूमिका में कौन? हनुमान जी। जब विभीषण और राम जी का संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? जब ध्रुव जी का भगवान से संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? नारद जी। जब प्रहलाद का भगवान से संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? छोड़ो, जब मीराबाई का भगवान से संबंध हुआ तो गुरु की भूमिका में कौन था? रैदास जी। बता दो, इतिहास उठा के बताओ कि किसी भक्त का बिना गुरु के भगवान से संबंध हुआ हो तो बताओ।